लेकिन मैंने तो देखा है कि पैरालंपिक्स में ये जो कोचिज होते हैं ना, कभी सर, तो मुझे उनको उनको नमन करने का मन करता है। तो ये जो कोचिज है, जो पैरालंपिक के कोचिज है जी सर, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का टैलेंट होता है जी सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में देश को पदक दिलाने वाले कपिल परमार से फोन पर बात की और उन्हें तथा उनके कोच मुनव्वर अली को इस उपलब्धि पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कपिल से कहा कि देश भर में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने कपिल के कोच की भी प्रशंसा की, जिनके मार्गदर्शन से कपिल ने इस कठिन प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। मोदी ने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि पैरालंपिक कोचों के पास विशेष योग्यता होती है, जो खिलाड़ियों की मानसिकता, कठिनाइयों और सामर्थ्य को समझते हैं। उन्होंने कहा कि कपिल के कोच ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने न केवल कपिल की प्रतिभा को सही दिशा दी बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा रखा। कपिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए भारत का मान बढ़ाया है, जो देश के लिए गर्व की बात है। सीहोर जिले के मुरली गांव के निवासी कपिल परमार का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 2009 में एक दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की 80% रोशनी चली गई थी। उनके पिता पहले टैक्सी ड्राइवर थे, जो अब पशुपालन करते हैं। कठिनाइयों के बावजूद कपिल ने जूडो खेलना शुरू किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कपिल ने अब तक 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 8 स्वर्ण पदकों सहित कुल 13 पदक जीते हैं। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जूडो में पैरालंपिक कांस्य पदक जीतना है, जो इस खेल में भारत के लिए पहला पदक है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मैच में कपिल ने ब्राजील के खिलाड़ी एलिटल डी ओलिवेरा को 10-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। कपिल की इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि उन्होंने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बावजूद किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा उनके कोच और परिवार की सराहना यह दर्शाती है कि एक खिलाड़ी की सफलता के पीछे उनकी पूरी टीम का समर्पण होता है। नमस्ते सर, मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार फ्रॉम मध्य प्रदेश। कपिल बाबू कैसे हो? एकदम मस्त। जय जयकार कर रहा है आपका। अरे सर बिल्कुल सर, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन देखिए कपिल, आपने सचमुच में हिंदुस्तान के तो पहली बार आपने इतना बड़ा अचीवमेंट करवाया है जी सर, और आप पहले व्यक्ति बने जिन्होंने प्राप्त किया है जी सर। तो आपने तो देश का नाम रोशन किया और दुनिया के लोगों को भी महसूस कराया है जी सर। तो आपने एक बिल्कुल नया इतिहास रख दिया है, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी सर, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके भी, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला आपका, टॉप साई का सपोर्ट मिला सर, ओजीक्यू का सपोर्ट मिला सर, और मेरे कोच है श्री मनोबर अंजार जी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। देखिए मैंने तो देखा है कि पैरालंपिक्स में ये जो कोचिज होते हैं ना जी सर, तो मुझे उनको उनको नमन करने का मन करता है। बिल्कुल सर जी, सचमुच में वो आपकी साइकोलॉजी को जानते हैं, आपकी कठिनाइयों को जानते हैं और आपके सामर्थ्य को भी जानते हैं। यानी सचमुच में मैंने तो कभी एक बार उनसे पूछा भी था जी सर, मैंने कभी एक सामान्य बच्चे को सिखाना तो सरल होता है, हाँ सर, आप लोग ये कैसे कर लेते हैं? हाँ, तो ये जो कोचिज है, जो पैरालंपिक के कोचिज है जी सर, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का टैलेंट होता है जी। जी सर, हम लोग सर, आपकी बात सही है, आपके कोच का बहुत बड़ा रोल है। मैं सर सेमीफाइनल लूज इसलिए कर गया कि जो स्टेडियम था हमारे जूडो का, उसमें क्राउड बहुत था सर, और हर जगह मेरे नाम की गूंज हो रही थी, कपिल कपिल, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्या, क्योंकि मैं कोच के साउंड पे वो करता हूँ रिएक्ट। जब अभी जितने मेडल आए ना सर मेरे इंटरनेशनल, तो मैं मेरे कोच के साउंड पे रिएक्ट करता हूँ सर, कि कोच साहब बोलते हैं मार, तो मैं वही अटैक करता हूँ सर। इस बार सर अगली बार मैं पक्का गोल्ड लाऊंगा 2028 में। एकदम ट्यूनिंग इतना परफेक्ट होता है जी सर, और आपने जब ब्रॉन्ज खेल रहे थे, हाँ सर, 10-0 से धमाकेदार जीत ही अद्भुत है वही। सर आपने देखा था क्या मेरा मैच? मैं जी देखिए अर्जुन को फॉलो करता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने और जूडो को इतना सपोर्ट किया सर। मुझे मन से गर्व होता है कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ वो तो एक बात है, लेकिन मुझे मन से गर्व होता है जब आप जैसे नौजवान देश का नाम रोशन करते हैं। हाँ सर,
तो मेरी खुशी और बढ़ जाती है और मेरा काम करने का उत्साह भी बढ़ जाता है। जी सर, सर इस बार आपके लिए गिफ्ट लाएंगे हम, कुछ गिफ्ट लाएंगे, जुड़ो जुड़ो का ही गिफ्ट लाएंगे। नहीं करना है, हाँ सर, कभी कोई खर्चा नहीं करना है। हाँ सर, आप मेडल रहे, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है दुनिया में। सर आपसे अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिल भी नहीं सकते सर। देखिए हम सब समान है, देश ऐसा है, भारत माता ऐसी है। हाँ सर, एक से बढ़कर एक लोगों को जन्म देती है। हाँ सर, बस सर आप आइए, प्यार से आइए, हम आपका मेडल को छुएंगे ना। हाँ सर, हाँ सर, सबसे बड़ी मेरी गिफ्ट होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और हर बार आपसे बात करने का मौका मिले सर, यही हम हर बार अपना हम देते रहेंगे। जी सर, जी सर, देखिए आपके पिताजी ने कड़ी मेहनत करके, हाँ सर, आपकी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाया है। जी 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 सर, बहुत, और मैं तो कहूँगा देश के लोगों के लिए काफी बड़ी प्रेरणा है कि एक सामान्य परिवार, जी सर, कठिनाइयों से जिंदगी गुजारी, जी सर, स्वयं को इतनी तकलीफ है और इतना बड़ा परिणाम दिया। जी सर,